दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवद गीता पढ़ना हमारे लिए कितना अच्छा होता है और कितना ज़रूरी है, लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबी होती है और इसकी शुद्ध संस्कृत भाषा। तो फिर इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूजफुल बनाएं? इन सब का जवाब है टॉकिंग भगवद गीता। सच में गीता का ज्ञान बहुत ही अद्भुत, बहुत गहरा और बहुत ही स्वच्छ है, और इस टॉकिंग भगवद गीता को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट किया गया है। ये प्रैक्टिकल तो है ही और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। सच में कितनी सुंदर है। इसका पिक्चराइजेशन भी कितना प्यारा और कितना अलग है। वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवद गीता को 11 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। अब मैं आपको इसका असली मैजिक दिखाती हूँ। ये है इसका मैजिक। विजडम फ्लूट, ये मल्टी सेंसरी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि मैं इसे जिस भी लाइन या जिस भी भाषा के श्लोक पे रखूंगी, ये उसी भाषा में आपको बोलकर सुनाएगी। तो देखा जाए, सबसे पहले इसमें एक बटन है ऊपर, यहाँ से हम इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं, और अगर आप पॉज करना चाहते हो तो सेम बटन से आप पॉज भी कर सकते हो। वॉल्यूम को बढ़ाना हो या वॉल्यूम को कम करना, आप वो भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़, आप इसमें अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना कि भगवद गीता की शुरुआत गणेश आरती से करनी चाहिए, तो ये देखिए। जय गणेश जय गणेश देवा। इसमें तो भजन भी है, तो चलिए हम भजन भी सुनते हैं। और इसमें मेडिटेशन भी दिया हुआ है, अगर आप में से कोई मेडिटेशन करना चाहता है तो वो इस विजडम फ्लूट के थ्रू मेडिटेशन भी कर सकता है। देखिए कैसे। Let's sit comfortably and easily. तो अब मैं आती हूँ इसके मेन पार्ट पर, इसकी चैंटिंग पर, जहां पहला शंख बना है। अगर मैं इस फ्लूट को पहले शंख पर रखती हूँ तो ये पूरा चैप्टर आपको चैंट करके सुनाएगा। और यहां जहां दो शंख बने, अगर मैं ये फ्लूट इस पर रखूंगी तो ये आपको पूरे चैप्टर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा। और अगर मैं इसे थर्ड पोर्शन, जहाँ ये मोर पंख बना हुआ है, अगर मैं इस फ्रूट को वहाँ रखूँगी तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देगा। ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उस वक्त। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। और ये लास्ट वाला ऑप्शन, अगर मैं इस पर रखती हूँ तो ये आपको गाकर सुनाएगा। इस बुक में जितनी भी पिक्चराइजेशन भी कर रखी है, अगर मैं वहाँ पर भी इस फ्रूट को रखती हूँ तो वो जो मोमेंट है ये आपको उसके बारे में भी बताएगा।
चलिए तो अब हम पर्टिकुलर श्लोक को कैसे सुन सकते हैं अलग अलग भाषाओं में वो देखते हैं। संस्कृत, आप इसमें वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आप संस्कृत पे टच करेंगे तो ये उस लैंग्वेज में आपको प्रोनाउंस करके बताएगा, और अगर आप दोबारा इसे टच करेंगे तो ये आपको उसका मतलब समझाएगा। अब हम इसे हिंदी में सुनते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? और ऐसे ही हम इसे इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। धृतराष्ट्र said, O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do? हमें इस बुक में अभी तक सिर्फ तीन भाषाएं दिख रही थी, लेकिन इस बुक में एक बुकमार्क दिया हुआ है और इस बुकमार्क में कई सारी भाषाएं हैं। इस फ्लूट के थ्रू आप इन अनेक भाषाओं को भी सुन सकते हो। मराठी, धृतराष्ट्र ने विचारले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धाच्या इच्छेने एक। तेलुगु, गुजराती, असमीज और देसी तो देसी, आप इस भगवद गीता को विदेशी भाषाओं में भी सुन सकते हो, जैसे स्पैनिश। धृतराष्ट्र dijo, oh Sanjay, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? French. और इस बुक का एक इंटरेस्टिंग पार्ट और भी है। बुकमार्क के माध्यम से किसी को ज्यादा जल्दी सुनना है तो वो स्पीड बढ़ा सकता है, और किसी को आराम से सुनना है तो वो नॉर्मल स्पीड में भी सुन सकता है। अगर आप इसकी चैंटिंग सीखना चाहते हो तो इसमें एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो आप इसका रिकॉर्डर ऑन करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके आप उसे कंपेयर कर सकते हो और साथ में आप सीख भी सकते हैं। इस भगवद गीता में ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से पढ़ें इसे, आप कहीं भी कुछ भी किसी भी श्लोक पर इस फ्लूट को रख कर सुन सकते हैं। संजय ने कहा, जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति है राजन कहा, जो लोग देख नहीं सकते वो इसमें दी हुई इस ब्रेन लिपि के माध्यम से भी इस भगवद गीता को सुन सकते हैं। देखिए, भगवद गीता हमें अंदर से प्योरिटी देती है और साथ साथ मजबूत भी बनाती है, और ये भगवद गीता आज के युग के हिसाब से ही बनाई गई है। ये भगवद गीता हम सबके घर में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में तो है, आपके घर में भी होना चाहिए।